बरसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। मुझे रास्तों की तलाश है। ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, जल्दी से कपड़े पहन के आ जा। मैं नहीं जाऊंगी। देख हमारी नाक मत कटा, जल्दी से पहन के आ जा। मैंने कह दिया है मैं यहां शादी नहीं करूंगी। बोलती है इनकी गांव में जो ये कह दें, क्या मजाल है जो गांव में कोई ना कर दे। गांव के शहंशाह कोट है तो यही, लड़के की दूसरी शादी ना होती और पहली से दो बच्चे ना होते तो आपके यहां शादी को आते। क्या बात है? तारा को देखने आए हैं, वो बाहर ना आ रही। क्यों? लड़का दुहाजू है ना। दुहाजू? हाँ, एक तुम्हारी माने है, चलो मैं तुम उसे समझा देना। हाँ, हाँ। जल्दी से आओ। हाँ, हाँ। देखो जल्दी से आना। हाँ। क्या बात है माँ? मैं तारा के जा रही हूँ। क्यों? खैरियत तो है? उसे कोई देखने आए हैं, उनके सामने ना जा रही। क्यों? बस कहती है शादी ना करानी। बाप डांट चुका, माँ समझा समझा के थक चुकी, तैयारी नहीं होती। वैसे लड़का तो हाजू है। दुहाजू? हाँ, पहली मर चुकी है, उससे दो बच्चे भी हैं। फिर माँ क्यों कर रहे हैं? तारा गांव कोई नहीं मिलता क्या? नैने को पैसा ना हो तो भले घर का कुंवारा ना मिलता। फिर क्यों नहीं मिल सकता माँ? तारा में क्या कमी है? खूबसूरत है, गुणी है, सब कुछ है उसमें। तू करेगा? मैं नहीं।
पहन ले। किसके सहारे बैठेगी चाची? मेरे हाथ में कुछ ना है तो भाग में बंधा है वो होके रहेगा। मैं ब्याह ही नहीं करूंगी। ना, ऐसा ना कह। देख, भाग में कुछ और लिखा होगा तो मिल जाएगा। अभी तो पहन ले। अच्छा चाची, तुम्हें खिलाए बिना खाया नहीं जाता। पागल हो गई हो तुम, किस दिन मारी जाओगी। जी तो लो। कसर है पागल बनने में जो और बना रही हो। बन गए हैं ना पागल। हाँ, अब जाओ। क्या हुआ, क्या कह गए? हाँ कह गए। तारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को चाहता हूँ जिनके घर में रहता था। वो भी वो बड़े वकील साहब की बेटी। हाँ देखो तारा, इंसान उसका मन जब एक बार कहीं लग जाता है तो फिर और कहीं नहीं लगता। साथ पढ़ती है। हाँ सुंदर है। हाँ शादी? अब कहा नहीं, अगर ठीक रहा तो ठीक है, तुम्हारे लायक है, तुम्हारी ही कामना पूरी हो। थैंक्स, थैंक्स तारा। तुम्हारी तरह गुड़िया सी लगती है। अब रुलाकर ही दम लोगे क्या? क्या बात है? मुझे भूख नहीं है। आग का फूल है, कभी आंख में पड़ जाए तो अंधा भी कर देता है। उस चंपा चमेली की बात सुना। क्या सुनाऊं? रोमांस जो कर रहा है खाना भी खिलाती है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ताऊजी के लिए दवा भी दी। हाय
हमें ना मिला कोई। और वो बिजली इंजीनियर की बेटी? माटी की कुटिया में रात रात भर दीप चले और सुबह को सीमेंट वाले की बेटी मिले। मूड ना खराब कर। बहुत चाहती है मुझे, खत भी लिखा है। कहाँ है? जेब में, निकाल ले। कहाँ से लिखा के लाया है ये तकदीर? पता नहीं, ऊसर धरती में कहाँ से खिल गए ये फूल, पता नहीं। बोलने की कोशिश भी करो। सतीश नरेंद्र मुबारक और चाचा जी बोले। नरेंद्र ये कह रहे हैं तू अब कॉलेज चला जा, ये अब बिल्कुल ठीक है। नहीं पिताजी, अभी नहीं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब। ये इनकी खुशी के आंसू है बेटा। आदाब। आदाब आदाब मियां, कब है? आज ही। अरे ये क्या बेटे, हमारे नहीं छूते? हमारे यहां छूते हैं सर। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें शादुकाम रखे। कैसे हैं तुम्हारे वालिद? पहले से बेहतर है, हाथ उठने लगा है उनका, बोलने भी लगे हैं माशाल्लाह, हालांकि कुछ गड़बड़ा कर। अरे नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएंगे, बस एक्सरसाइज जारी रहें। वो तो जारी रहेंगी। अशरफ है क्या? आते ही पढ़ाना शुरू कर देंगे आप? बहुत गैप आ गया सर, काफी कुछ करना है अभी। अच्छा अच्छा, अंदर हैं, जाइए। जी पद्मा, ऐसे नहीं करते। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं जानता हूं, मैंने भी सहा है, पिताजी बीमार थे, वहां रहना जरूरी था, लेकिन वहां रहते हुए भी मन वहां से भाग आता था, तुम्हारे पास चला आता था। ए, तुम ऐसी कैसी हो गई? पता नहीं, 3 दिन हो गए हैं कॉलेज नहीं गई। शहनाज बुलाती है तब भी नहीं जाती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ तो खाना नहीं खाया जाता। अब तो नहीं जाओगे ना? अब तो नहीं छोड़ोगे ना मुझे अकेले?
जानती हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें रोक रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, जहाँ तुम्हें जाना है। जो कह रही हूँ सब गलत है, पर क्या करूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं रह सकता हूँ क्या? फिर एक बात बताओ, क्या शादी करोगे मुझसे? मुझसे शादी करोगे? तुमने उस दिन भी पूछा तो आज भी पूछ रही हो। जवाब है मेरे पास लेकिन दे नहीं सकता। इतना पा रहा हूं लगता है संभाल नहीं सकूंगा। बहुत पास हो और बहुत दूर, और दूरी तुम्हारी नहीं मेरे अपने हालात की है। जोड़ना भी चाहूं तो जोड़ नहीं पाता। कहां तुम और कहां वो जो कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। बस कह चुके, कहने को कुछ नहीं पद्मा। चाहता वही जो तुम चाहते हो, पर किस बूते पर, किस मुंह से चाहूं? कितने बरस पड़े, बस इतनी सी बात है। तो देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी जब तक तुम पढ़ नहीं जाते, कुछ बन नहीं जाते। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? अगर इस बीच कुछ हो गया तो तुम मुझे बीच में नहीं छोड़ोगे, मेरा साथ दोगे। लेकिन पद्मा ये कैसे हो सकता है? तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकते हो। मैं समझ लूंगी कि तुम भी और लड़कों की तरह हो। मैंने तो अपने को तुम्हारे साथ बांध लिया। तुम जब चाहो अपना दुपट्टा छुड़ा सकती हो, तुम आजाद हो। मैंने ही अपने को तुम्हारे साथ बांध लिया। तो तुम दोनों की राम कहानी तो मैंने सुन ली, लेकिन सहबान जरा इधर भी गौर फरमाए। शुक्रिया। तो मैं ये कह रही थी कि बंदी ना तो मौलवी है और ना ही पंडित, लेकिन जब आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि फॉर्मली आप दोनों की शादी करवाऊं। इसलिए मैं शुरू करती हूँ। इजाजत है? इशाद। तो तुम नरेंद्र कुमार वल्द श्री बद्री प्रसाद, वल्द श्री बद्री प्रसाद, पद्मा कुमारी बिनते महेश चंद्र एडवोकेट को अपनी दुल्हन बनाना कबूल करते हो? जी। कबूल करते हो? जी हाँ। और तुम पद्मा कुमारी बिनते महेश चंद्र नरेंद्र कुमार सो एंड सो को कबूल करने के लिए तैयार हो? आपकी धोतनी से बोलो ना, मुंडी हिला रही है। हाँ। तो आप लोगों का निकाह हो गया? हाँ, बस इतनी देर में हमारे यहाँ निकाह हो जाता है। अब वैसे अब उसको खुदा कहो या भगवान, उसकी हाजिरी में तो आप दोनों मियाँ बीवी हो चुके हैं। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों को इतराज तो हो सकता है। नहीं नहीं,
अब जैसे अब बद्री प्रसाद जी हैं आपके पिताजी, अब उनको इतराज तो हो ही सकता है ना। अब इसलिए एक बार हम आप दोनों के हिंदुओं के रस्मों से भी विवाह करवा देते हैं। तो अब मैं विवाह करवाती हूँ। यार अब मैं पंडित तो हूँ नहीं, तुम लोगों के यहाँ रिंग्स एक्सचेंज होते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के को मिलती है। ये तो खालिस एक्सप्लॉयटेशन है। चलिए तो अपना रबर बैंड तो दीजिएगा। अरे रबर बैंड निकालो यार, दीदी भाग के देख रही है, जल्दी करो। हाँ तो ये जो है ये एक एंगेजमेंट रिंग है और अब आप इनको पहनाइए। पहनाइए ये। तो अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मांग भरी जाती है सिंदूर से। मांग भरी जाती है सिंदूर से। तो सिंदूर लाइए, अपना अंगूठा लाइए, अंगूठा लाइए अपना, लाइए ना। मांग भरी, सीरियसली मांग भरी ना इसकी। वाह, अब आप दोनों का विवाह भी हो गया है। अब इसके बाद अब मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा कराओ यानी जो रोजा रखवाए वो इफ्तारी भी दे, ये खूब है साहब। तो चलिए मुंह भी मीठा करवा देते हैं। गुड, सीरियस स्ट्रॉन्ग वाला। हथेली दोना लाइए, आप भी दीजिए। ये सही हाथ है, ये सही है। ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे को खिलाओ ना। तो ऐसे तो होता है विवाह में। मुंह मीठा कीजिए। पहले मैं खिलाऊं ये खिलाऊं? ये अब आप विवाह हो रहा है। ये मैं खिलाता हूं, ये खाइए। और मेरा मुंह कौन मीठा करवाएगा? उसके सामने मत कह दीजो, नहीं तो पूछेगा इतनी बड़ी कहाँ से लाई। आसमान से टपकी है, खजूर में अटकी। हेलो मिस्टर लिटिल टाइम जूड। हाँ, ओ हेलो, लेकिन ये क्या खिताब है? थॉमस हार्डी का एक कैरेक्टर है। हाँ? छोटे से कंधों पर बड़ा सा सिर, दुनिया भर की विजडम से भरा हुआ। थैंक यू फॉर दैट, लेकिन ये क्या है? ये हाँ? डेथ वारंट है टाइम का। वक्त ने हमारा बहुत खून किया है, अब हम वक्त का खून करेंगे। साइन करो। लेकिन ये है क्या? फॉर्म है। अगले हफ्ते हम स्टडी टूर पर जा रहे हैं। कब? कितने दिन के लिए? अगले हफ्ते, पूरे 7 दिन के लिए। सच? हाँ। क्या हुआ? मैं नहीं जा सकता। पर क्यों? खुश नसीब होते हैं वो लोग। मेरे पास ना टाइम है ना पैसे। पैसे मुझसे ले लेना। देखो इनकार मत करो, 7 दिन रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। डोंट यू रियलाइज वी विल बी ऑल अलोन। नहीं पढ़ना, एनुअल एग्जाम्स नजदीक है, मुझे पढ़ना है। देखो प्लीज, ये तो स्टडी टूर है, सब लोग पढ़ेंगे, तुम भी अपनी किताबें ले चलना, वहीं पढ़ लेना। पैसे मुझसे ले लेना,
आई प्रॉमिस यू, ऐसे नहीं तो उधार ले लो, जब दोगे तो वापस ले लोगी। करो नहीं पद्मा, जैसे मेरे हालात हैं, घर पर पिताजी बीमार हैं, तुम जाओ। यानी मैं कुछ नहीं, मेरे पैसे तुम्हारे नहीं है, जो लोग जाते हैं वो पास नहीं होते हैं क्या? यही जगह है मेरी तुम्हारी नजरों में? क्यों पकड़ा? जाओगे? प्लीज पद्मा, मेरी बात समझो ना। क्या समझूं? बादलों की तलाश है।